पानी पासपोर्ट स्टोर रहने से क्या जो भारी चीज होगी पत्थर कंकड़ वगैरह वो बैठ जाएंगे, जैसे मिट्टी बैठ जाएगी, मिट्टी है। एक रास्ता इधर है, ये पौंड के लिए है, एक रास्ता रोड के नीचे के जाता है। यहाँ से करीब 500 मीटर आगे जाके तीन टैंक आते हैं पानी के, वो टैंक से कनेक्टेड है। अगर 4 किलोमीटर तक का पानी अगर 1 या 2 इंच बारिश भी होती है तो 1, 2, 3 इंच बारिश के पानी के अंदर तीनों टैंक भर जाते हैं। अगर गुलाब सिंह चौहान उस समय अगर जिंदा रहता तो शायद हिंदुस्तान के अंदर कभी मुगल के वंशज यहाँ पे नहीं मिलते। हाँ देखिए, जयगढ़ किले में जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वहाँ पे एक मंदिर है, शिव मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है। किले हो मंदिर नहीं हो ये तो हो ही नहीं सकता। शक्ति के उपासक थे, शिव और शक्ति के उपासक होते थे राजा लोग। तो यहाँ पे शिव मंदिर था, युद्ध में जाने से पहले, युद्ध से वापस आने के बाद अपने इष्ट देव की पूजा करते थे शिव और शक्ति की। तो ये पुराना मंदिर है, मंदिर काफ़ी पुराना है लेकिन जो समय के साथ में मंदिर टूट गया, मूर्तियाँ वही है लेकिन ये मंदिर बाद में बनाया, मूर्तियाँ वही है जो पहले थी। और देखिए ये जो है ये खड्डे नहीं है, ये खड्डे नहीं है, ये थे बड़े बड़े ये भट्टियाँ हैं जहाँ पे गर्म पानी और तेल करते थे। क्योंकि किले की दीवार में जो होल बना रखे नीचे वाले, जो अगर दुश्मन पास में आता था उनको रोकने के लिए उबलता हुआ पानी और तेल की बुछार करते थे। तो गर्म कहाँ करते थे, कहाँ भट्टियाँ होती थी, वो भट्टियाँ हैं या फिर बड़े बड़े कड़ाव होते थे, उनमें तेल गर्म करते थे, उबालते थे, पानी उबालते थे और दुश्मन के ऊपर यहाँ से डालते थे, पूरी फोर्ट की वॉल के ऊपर जो होल बना रखे वहाँ से डालते थे। और सामने जो ये बुर्ज है देखिए, ये गोल सी जो खंडर सी दिखाई दे रही है, ये सबसे ऊंची, ये किले की काफ़ी ऊंची जगह है, उधर से रास्ता है। किले की सेकंड बिगेस्ट तो बजरंग मान, जिसके बारे में आपको बताऊंगा, उसके एक एक पार्ट ले जाके ऊपर असेंबल करते थे और उसको चारों तरफ घुमा के दुश्मन को दूर दूर तक निशाना बना सकते थे। जय बाण के बाद में सेकंड नंबर बजरंग बाण का आता है, उसके लिए ये बुर्ज बना रखी है, ऊपर से चलाते थे उसको। तो भंवर सिंह जी, ये वही मान सिंह जी का किला है क्या जो ये आप बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, जिनके सिस्टर थी, बहन थी, जो जोधाबाई, जो अकबर के साथ शादी की गई थी, ऐसा बताया जाता है? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, ये वही किला है जो राजा मान सिंह का था, जो अकबर के चीफ कमांडर थे। और इतिहास में जय सिंह, राजा मान सिंह की बहन जोधाबाई को बता के इस देश को, इस धर्म को बदनाम किया गया, क्योंकि एक पूरी एक मनगढ़ंत कहानी है। क्या मनगढ़ंत कहानी है, क्या इतिहास? ये जोधाबाई और मान सिंह के सिस्टर, उसको बता के अकबर से शादी करना, ये पूरी एक मनगढ़ंत कहानी है। मतलब इतिहास में जो लिखा गया गलत लिखा, बिल्कुल झूठा है, उसको तोड़ मरोड़ के, उसके डिटेल में आपको बता रहा हूँ। बताओ सर, देखिए तो आप तो फिर तो पूरे इतिहास पे उंगली उठा रहे हैं। बिल्कुल उंगली नहीं उठा रहे, एक्चुअली आपको ये पता होगा कि हिंदुस्तान आजाद होने के बाद में हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, अब्दुल कलाम, जो अरबी थे, 2 साल पहले इंडिया में आए और उनको शिक्षा मंत्री बना दिया। अब जो आदमी 2 साल पहले इंडिया में आया, जिसके इंडिया के इतिहास के कोई नॉलेज नहीं है, उसको आप शिक्षा मंत्री बना दोगे तो वो हिंदुस्तान के इतिहास का क्या करेगा, समझ सकते हो आप। हाँ, जोधाबाई और मान सिंह सेम टाइम में थे, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। हाँ सर बताइए, फिर डिटेल में बताइए। हाँ देखिए, ये बड़ा अनछू छुआ पहला है, जोधाबाई और अकबर और मान सिंह, ये एक टाइम में थे, अकबर से शादी कर दी। ये इसके पीछे लोगों को, कई लोग सोचते हैं कि यार राजपूत कहते हैं कि बहादुर थे, ये थे, फिर भी अपने बहन की शादी मान सिंह ने कर दी, कैसे हो सकता है, लोग गले नहीं उठता था। मैं आपको डिटेल में आज समझाता हूँ, ये सोची समझी प्लानिंग है। आपको ये पता होगा कि जोधाबाई जो सीरियल चला था उसको राजस्थान के अंदर नहीं चलने दिया था, क्योंकि राजस्थान के लोगों ने पुराना इतिहास जो हस्तलिखित होता था, मनगढ़ंत इतिहास बाद में बनाया हुआ नहीं था। जब कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने खुद ने माना था कि जोधाबाई नाम की कोई राजकुमारी ही नहीं थी आमेर के अंदर, हरकाबाई थी जोधाबाई की, जोधाबाई जो थी वो दासी पुत्री थी। और बड़े सफाई से तरीके से उसको मान सिंह की बहन बना के, अकबर से शादी दिखा के अपने सीरियल को चलाने के लिए, और सीरियल को जब कोर्ट ने आदेश किया कि इसमें जोधाबाई नाम की कोई राजकुमारी नहीं थी, तो उसका जो डायरेक्टर था उसने कोर्ट के सामने पेश किया, सर मैं तो मनोरंजन के लिए बना रहा हूँ और मनोरंजन के लिए किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा सके, इसलिए उसमें कोर्ट ने आदेश किया था कि इसके ऊपर आप लिखोगे मैं मनोरंजन के लिए बनाया, जोधाबाई थी या राजकुमारी या हरकाबाई थी, इसकी को मैं गारंटी नहीं देता हूँ, मैं तो सिर्फ एक मनोरंजन के लिए चलाया, ये कह के उसको चालू करते थे। आज मैं आप इसके ऊपर प्रकाश डालता हूँ। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ध्यान से सुनिए भाई, बहुत एक अलग से ये इतिहास, मतलब जो बनाया गया था या ऐसा माना जाता था, जो भी है इसकी हिस्ट्री देख लेना भाई, बहुत ध्यान से देखने की वीडियो है। जी सर। हाँ देखिए, अब देखिए मैं आपको आज, आपको जो शायद आपको पता नहीं होगा, आज डिटेल में आपको बता देता हूँ। मान सिंह के फादर का नाम था भारमल, भगवान दास के फादर नाम था भारमल, और राजा भारमल की शादी हुई थी जोधपुर की राजकुमारी से। और उस समय जब शादी होती थी तो राजकुमारी के साथ में कई दासियां भी आती थी, नेचुरल था, 50 दासियां, 100 दासियां, 200 दासियां, उसमें से उनके साथ जो दासी आई थी जोधपुर से, भगवान भारमल के वाइफ जो जोधपुर की राजकुमारी थी उसके साथ में, उसमें कई दासियां, तो उसमें एक पर्शियन ईरानी दासी भी थी जो मुस्लिम थी,
और वो भी उनके साथ में आई थी। वो जब यहाँ पे आई तो वो प्रेग्नेंट थी। आमेर आने के बाद में उनके उसके हस्बैंड थे वो राजा भारमल की सेना में थे, युद्ध में मारे गए थे, और उनका उनके जो प्रेग्नेंट थी वो उनकी जब बच्ची हुई, उनके डिलीवरी पीरियड में जब बच्ची हुई, तो डिलीवरी पीरियड में उनकी जोधाबाई की जो मदर थी यानी जो दासी थी परसिन दासी, उसकी मृत्यु हो गई। अब जो पीहर से कोई भी चीज़ आती है, आज भी है, अगर मायके से कोई भी चीज़, मायके का अगर घर में अपने कोई भी चीज़ कुत्ता भी आता है तो उसके कहते मेरे पीहर का कुत्ता है, उसको बड़ा प्यार देते हैं। तो अपने मायके से वो दासी आई थी और उसकी मृत्यु हो गई, उसके डिलीवरी पीरियड में उसकी जो बच्ची है, तो राजकुमारी का उससे विशेष प्रेम था, उसको अपने साथ रखा, उसको पाला, अपने बिस्तरों में उसको सुलाया, उसको अपने हाथों से चम्मच से दूध पिलाया और उसको बेटी की तरह रखा। जब वो बड़ी हुई 2 साल की, तो जो जोधपुर की राजकुमारी आमेर में शादी होकर आई थी, भारमल की वाइफ थी, उनकी भी एक लड़की हुई, उसका नाम था हरकाबाई। देखिए बड़े गौर से सुनना आप, हरकाबाई जो एक्चुअल राजकुमारी थी, जब वो धीरे धीरे बड़ी हुई, उनके साथ रहना, मंदिर जाना, हिंदू रीति रिवाज में पालना पोसना, बड़ी होना, तो उसका एकदम दिमाग बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज की तरह था। लेकिन राजा भारमल और उनकी रानी के दिमाग में ये था कि एक मुस्लिम है और हम इसका धर्म खराब नहीं करें, यानी किसी शादी इसकी करे तो कोई अच्छे मुस्लिम घराने से करे, इसका धर्म खराब नहीं करे, क्योंकि ये भगवान को जाके हमें जवाब देना है, हम किसी हिंदू से शादी नहीं करेंगे। उसी समय संयोग की बात थी कि अकबर आगरा से जियारत करने अजमेर जा रहा था, बीच में जयपुर के पास में सांगानेर है, आमेर के पास में सांगानेर में रात के समय पड़ाव था। उस समय आमेर के राजा ने उनके सेना का खाने पीने का सारा वहाँ पर इंतजाम किया, वहाँ पर पड़ाव था उनका। वहाँ पर जाके अकबर से भारमल मिलते हैं और अकबर से बात करते हैं कि ऐसे जोधाबाई है, मैंने उनको अपनी तरफ से मेरी दासी पुत्री है उसको पाला है, लेकिन वो एक मुस्लिम है, तो इसलिए मेरा मन नहीं कहता किसी हिंदू से शादी करूं। अगर बादशाह आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं आपसे शादी का प्रस्ताव आपके पास साथ रख रहा हूं। अकबर ने उसी समय उनके होठों पर उंगली रख दी कि ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहना चाहिए कि वो दासी पुत्री ने आपने उसको बेटी की तरह पाला था, आप उसको बेटी ही बोलो और किसी को भी नहीं बताना मेरी रियल बेटी नहीं है ये, और मैं तो उसके लिए एक्सेप्ट हूँ, एक बार मैं जियारत करके आता हूँ अजमेर, उसके बाद वापस आके निकाह करूँगा। वो वापस आते हैं, निकाह तय होता है और उसको आमेर के महलों में, उसकी शादी नहीं हुई थी, निकाह हुई थी आमेर के महलों में जब शादी हुई थी, तो उस समय उनके साथ अकबर के कई नवरत्न भी थे, सारे लोग थे, अकबर नामा जिसने लिखा था, अबुल फजल वो भी था उसके अंदर। तो निकाह होने के बाद जब जोधाबाई विदा हो रही थी, तो अपनी बेटी की तरह उसको पाला था, बेटी की तरह उसको विदा किया अकबर से, उसकी निकाह करके जब वो विदा हो रही थी, तो उसने अकबर नामे में अबुल फजल ने साफ लिखा है कि मैंने कई रॉयल फैमिली की शादियों में शरीक हुआ हूँ, मैंने देखा जब राजकुमारी विदा होती है तो रॉयल फैमिली के लोगों की आंखों में आंसू नहीं रुकते, लेकिन मैंने ये पहली बार देखा कि किसी भी राज परिवार के लोगों की आंखों में आंसू नहीं थे, और बल्कि उनके चेहरे पर खुशी थी, ये कह रहे थे हमने अपना धर्म निभाया है, भगवान को जाके जवाब देना था, हमने अपना धर्म निभा दिया। तो इसके पीछे मुझे शक इस निकाह के ऊपर, उसमें साफ था कि जोधाबाई रियल राजकुमारी नहीं थी, वो दासी पुत्री थी, उसको बेटी की तरह पाला था, इसलिए बेटी मान के अकबर से उसकी निकाह की थी, मुस्लिम थी, अपना धर्म निभाया था। और बाद में आके इतिहासकारों ने, इतिहास किसने लिखा था हिंदुस्तान का जो आधुनिक इतिहास है, वो कर्नल टाड ने लिखा था, और कर्नल टाड उदयपुर आके पूरे राजस्थान की हिस्ट्री कर्नल टाड ने लिखी थी। उस समय उदयपुर जो मेवाड़ जिसकी राजधानी थी और ढूंढाड़ जिसकी राजधानी आमेर थी, उस समय अच्छे संबंध नहीं थे मेवाड़ और ढूंढाड़ के, तो उदयपुर के अंदर जो उसने पूरे हिंदुस्तान का इतिहास लिखा है, मेवाड़ के लोगों ने उसको लिखा, अब कर्नल टाड को लिखा कि आमेर के राजा मानसिंह ने तो अपनी बुआ की शादी अकबर से कर दी, यानी भारमल की लड़की उनकी बुआ लगी शादी कर दी, तो हम लोग हमारे बराबर के वो लोग नहीं है, बाकी क्योंकि अच्छे संबंध ही थे इसलिए लिखा, और कर्नल टाड ने वो चीज़ लिख दी जो हमारे इतिहास के अंदर आ गया। भाई इसकी हकीकत ये है, आज भी अगर जयपुर रॉयल फैमिली के या ढूंढाड़ कर हाथ से लिखित इतिहास अगर आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जोधाबाई राजकुमारी नहीं थी, दासी पुत्री थी, हरकाबाई एक्चुअली राजकुमारी थी। अब हिंदुस्तान को आप खुद सोच सकते हो, जो राजपूत किसी की बहन बेटी को बचाने के लिए अपना सर देना एक खेल समझता है, क्या अपनी बहन बेटी बड़े हर्ष से उल्लास से किसी मुस्लिम को दे सकता है? आपके गले उतरती है बात? इसको बड़े तोड़ मरोड़ के सफाई से कैसे इनका सर झुका, इसके सामने किसी का सर झुकता नहीं था, कैसे इन लोगों का सर झुका है, इसलिए बीच में जोधाबाई को लौके खड़े कर देते हैं और ये कहानी मनगढ़ंत कहानी सामने पहुँच देते हैं। आज मैं आपको सामने अवगत कराता हूँ कि जोधाबाई नाम की कोई राजकुमारी ही नहीं थी, एक्चुअली आमेर के राजकुमारी उस समय हरकाबाई थी। भंवर सिंह जी मैं पूछना चाहूंगा, जैसे बताया गया था, जैसे आप बता रहे हो अकबर जो था उसने मान सिंह को कहा था भाई ये बात तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए, तो ये सामने कैसे आई, मतलब ये चीजें सामने? मैंने बताया आपको क्योंकि उस समय ये अच्छे संबंध नहीं थे मेवाड़ के। आज हम इतिहास पढ़ रहे हैं, कर्नल टाड ने लिखा राजस्थान का इतिहास जो कि अंग्रेज था, और कर्नल टाड था ब्रिटिश गवर्नमेंट टाइम में, मान सिंह थे 16वीं सेंचुरी में और ब्रिटिश यहाँ पे आए थे 18वीं सेंचुरी में, 200 साल बाद। अब 200 साल बाद जो आदमी बाहर का विदेशी आदमी आके हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में लिखता है
तो उसको हिंदुस्तान का एक्चुअल इतिहास क्या पता है, और वो कहाँ बैठ के इतिहास लिख रहा है, किन लोगों के कहने से इतिहास लिख रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसने उदयपुर बैठ के राजस्थान की पूरी हिस्ट्री लिखी थी, और उस समय उदयपुर यानी मेवाड़ और ढूंढार के अच्छे संबंध ही थे, तो वहाँ के लोगों ने आज भी वहाँ के लोगों के मन में एक आग बरसती है कि इन लोगों के प्रति, क्योंकि ये कहते हैं मुगलों का साथ दिया। ये तो हकीकत भी है, अच्छा बात सही भी है, लेकिन इसमें कोई सत्यता नहीं थी कि जोधा बाई मानसिंह की बुआ थी या भारमल की लड़की थी, वो दासी पुत्री थी, और उसको कर्नल टार्डी इतिहास में लिखने से वो आज हमारे सामने आ गया और लोगों ने उसका तिल का तार बना दिया। तो अकबरनामे में सर क्या बताया गया था, जैसे वो जो जिसने अकबरनामा लिखा था, और उस अकबरनामे के अंदर ये चीज जो आप बता रहे हो साफ स्पष्ट लिखी गई थी कि भाई जो बेटी को या बहन को जो विदा करते हैं तो वो रोते हैं, लेकिन इनको खुशी हुई कि हमने अपना धर्म निभाया, भाई इसके धर्म को अलग धर्म में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज भी ये राजस्थान के अंदर जो इतिहास में काफी चल रहा है, और अकबर ने जो मानसिंह से बोला था कि ये बात किसी को बताना नहीं, मानसिंह ने उसके बाद किसी को ये बात नहीं बताया। अकबर ये चाहता था कि लोगों को ये मैसेज जाए कि राजपूत और मुगल एक हैं, यानी इनमें शादी संबंध हो चुके हैं, दोनों महान शक्तियां एक हो चुकी है, अब दुनिया की कोई ताकत इनके हरा नहीं पाए। इसलिए उसकी रणनीति थी, उसका प्लानिंग था, राजनीति थी, ये इस बात को चुप रखना, ये उसकी प्लानिंग थी। लेकिन आगे जाके लोग इसको किस तरह से बदल देंगे या किस तरह उसका माइंड हो जाएगा, ये लोगों ने नहीं सोचा था, और उसी के कहने पर यह किया था। अबुल फजल ने अकबरनामे के अंदर ये साफ लिखा, क्योंकि अबुल फजल को ये बात पता नहीं थी। अबुल फजल ने साफ लिखा है कि उसको निकाह पे मुझे शक है, क्योंकि किसी भी राज परिवार के लोगों के आंखों में आंसू नहीं थे, और उन लोगों के चेहरों पे खुशी थी, आपस में फुसफुसा रहे थे कि देखो हमने अपना धर्म निभाया, भगवान के जाके जवाब देना है, हमने अपना धर्म निभा दिया, उसका धर्म खराब नहीं होने दिया। तो दोस्तों देखा कैसे भाई जो इतिहास बताया गया या हमें दिखाया गया, फिल्मों में भी दिखाया और सीरियल जो आता था जोधा अकबर जो आता था भाई, उसमें भी कोर्ट केस हुआ था, राजस्थान में इसको चलने नहीं दिया था, और कैसे इसको वो प्रेजेंट करते थे, काल्पनिक माना गया, और ये कहां तक बात ठीक है गलत है पता नहीं, लेकिन जो इतिहास बताया गया था उसके साथ छेड़छाड़ की गई भाई। और जोधा भाई जो थी मानसिंह की सिस्टर बुआ नहीं थी, मतलब एक धर्म के हिसाब से जो उन्होंने पाला बड़ा था, एक दासी पुत्री थी, लेकिन उसको अपने अपने साथ रखा, बचपन में हाथों से दूध पिलाया, अपने साथ उसको सुलाया, बड़ा किया, एक बेटी की तरह उसको पाला, बेटी था, बेटी पाला। समझ के उसका निकाह अकबर से किया था। उन्होंने अपना धर्म निभाया, उनका पहला धर्म था कि उसकी वो असहाय थी, उसको पालना, उसको बड़ा करना, और उसके बाद में फिर उनका धर्म था कि उसको बेटी की तरह पाला, तो बेटी की तरह उसका धर्म निभाते हुए, यानी मुस्लिम थी तो मुस्लिम से शादी करके अपना धर्म, अपना कर्ज धर्म निभाया था, और अकबर से शादी। तो भाई आप ना कमेंट करके बताना ये बात, जो आज मेरे को भी फर्स्ट टाइम पता लगी है, और आपको ये देखने में कि भाई वीडियो में देखा है भाई क्या था इतिहास, क्या बना दिया गया और कहाँ आगे क्या बनेगा, कमेंट करके बताना यार ये बात कहाँ तक सही है गलत है, मेरे को ठीक लगी, क्योंकि ये चीज़ें तोड़ मरोड़ के दिखाई जाती है फिल्मों में भी सीरियल में भी, और कुछ चीज़ें सच भी होती है कुछ चीज़ें झूठ भी होती है। आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं, और ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये वीडियो में पार्ट में डालने वाला हूँ, ये वाला आपको पार्ट कैसा लगा भाई, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देना जल्दी से, चले आगे चलते हैं।